हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ घर पर ही गोल्डन ग्लिटर्स बनाने के 3 आसान तरीके शेयर करने वाली हूँ। इसी के साथ मोनिकास DIY में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं घर पर गोल्डन ग्लिटर्स। तो अक्सर हमारे घर में कभी कोई बर्थडे होता है या फिर दिवाली के गिफ्ट आते हैं, तो इस तरह के रैपिंग पेपर में गिफ्ट रैप होता है और हम गिफ्ट को खोलते हैं और रैपिंग पेपर को डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन इसी वेस्ट रैपिंग पेपर से हम गोल्डन ग्लिटर्स घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो ये मैंने गोल्डन रैपिंग पेपर लिया है और इसकी एक साइड सिल्वर कलर है। तो अभी मैंने एक पेंटिंग ब्रश लिया है, कोई भी आप बारीक चीज़ ले सकते हैं, कोई पेन भी ले सकते हैं, रिफिल भी ले सकते हैं। तो उसके ऊपर रैपिंग पेपर को इस तरह से रोल करेंगे और फिर इसमें से पेंटिंग ब्रश को बाहर निकाल लेंगे और फिर इसको बारीक बारीक काट लेंगे। तो कुछ इस तरह से आप इसे बारीक बारीक काट लें। अगर आपकी कैंची तेज हो तो बहुत ही अच्छा है, तो काम जल्दी से हो जाता है। मेरी कैंची थोड़ी सी कम तेज थी तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा। तो सारे रोल को हम इसी तरह से बारीक बारीक काट लेंगे। और अब हम इसको हाथ से थोड़ा सा मसल कर इसे खोल लेंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने सारे रोल को जो काटा था उसको इस तरह से हाथ से मसल कर खोल लिया है। अब हम इसको कैंची से बारीक बारीक काट लेंगे। तो जितना बारीक काटेंगे उतने ही अच्छे ग्लिटर्स बनेंगे। गोल्डन रैपिंग पेपर से बहुत ही अच्छे ग्लिटर्स बनते हैं क्योंकि इसकी एक साइड सिल्वर कलर की होती है और दूसरी साइड गोल्डन। तो इसमें बहुत ही अच्छा कलर आता है, गोल्डन और सिल्वर मिक्स होकर बहुत अच्छा कलर बनता है। तो कुछ इस तरह से मैंने गोल्डन रैपिंग पेपर को बहुत ही बारीक काट लिया है। जितना रैपिंग पेपर को हम बारीक काटेंगे उतने ही फाइन ग्लिटर्स हमें मिलेंगे। तो अभी इसको एक बॉल में निकाल लेंगे और फिर इसको स्टील की छलनी से छान लेंगे ताकि फाइन ग्लिटर्स हम अलग कर पाए। तो आप कलर देख सकते हैं, सिल्वर और गोल्डन मिलकर बहुत ही अच्छा कलर बनता है। तो इस तरह से फाइन ग्लिटर्स हम अलग कर लेंगे और छलनी में जो बड़े बड़े पीसेज हैं उनको भी फिर से काट कर हम फिर से छान लेंगे। तो जितने मोटे ग्लिटर्स आपको चाहिए या जितने बारीक ग्लिटर्स चाहिए उसी हिसाब से आप पेपर को काट सकते हैं। तो ये था पहला तरीका ग्लिटर्स घर पर बनाने का। तो अभी फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है तो गिफ्ट रैपिंग पेपर आपके पास बहुत सारे मिलेंगे, तो आप उनसे इस तरह से ग्लिटर्स बनाकर रख सकते हैं और बच्चों के क्राफ्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने थोड़े से मोटे ग्लिटर्स रखे हैं और थोड़े से मैंने फाइन ग्लिटर्स बनाए हैं। तो इस तरह से हम गिफ्ट रैपिंग पेपर से गोल्डन ग्लिटर्स बना सकते हैं। आप किसी भी कलर के ग्लिटर्स इसी तरह से बना सकते हैं। तो अभी हम दूसरा तरीका देख लेते हैं। तो ये गोल्डन किरण है। ये भी बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर है। तो इसको भी हम बारीक बारीक काट कर छानेंगे तो इससे भी बहुत ही सुंदर गोल्डन ग्लिटर्स बनते हैं।
तो अभी इसको भी छलनी में से छान लेंगे। तो ये था दूसरा तरीका, अभी इसको आप और भी बारीक कर सकते हैं। तो इसको भी निकाल लेंगे। तो बहुत ही प्यारे गोल्डन ग्लिटर्स बनकर तैयार है। तो चलिए अब तीसरा तरीका भी देख लेते हैं। तो इस तरह की कोई भी लेस गोल्डन कलर की जो घर में किसी ना किसी दुपट्टे पर लगी होती है या कोई वैसे ही छोटा सा पीस पड़ा होता है लेस का, तो उसको हम बारीक बारीक काट कर गोल्डन ग्लिटर्स बना सकते हैं। और ये गोल्डन कलर भी बिल्कुल अलग कलर है, एंटीक गोल्डन है। अगर आपके पास कोई गोल्डन कलर का कपड़ा पड़ा है तो आप उसके धागे निकालकर भी उसको काट सकते हैं। ये भी बहुत ही प्यारे एंटीक गोल्डन कलर के ग्लिटर्स बनते हैं। अगली बार जब भी आपके घर में कोई गिफ्ट आए तो आप उसके रैपिंग पेपर को फेंकने की बजाय उसके ग्लिटर्स बनाकर रखें और फिर बच्चों के क्राफ्ट में यूज़ करें। तो इसे भी हम छान लेंगे। तो इस तरह से हमने गोल्डन कलर में ही तीन तरह के गोल्डन ग्लिटर्स बनाए हैं। तो चलिए एक बार हम सारे ग्लिटर्स देख लेते हैं। तो ये गोल्डन कलर जो हमने रैपिंग पेपर से बनाए हैं, ये वो वाले ग्लिटर्स हैं और ये उसी में बड़े वाले ग्लिटर्स हैं। और ये किरण के जो हमने बनाए थे ग्लिटर्स वो वाले हैं, ये भी बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर है। और लेस से बनाए वाले ग्लिटर्स भी आप देख सकते हैं। तो सारे ही गोल्डन कलर अलग अलग हैं। आपको होममेड ग्लिटर्स का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।